रेक्टिफाई करते बोले भी हम लोगों के साथ गलती हुई, प्राइवेट वालों को प्राइवेट वाले गाय साहब से मारे जी सही करते बोले क्या सही करे बोलो पूरा ये फिल्म बनने का लॉकडाउन की वजह से वो तो बंद ही है, जो बिल रिकॉर्ड करते हैं वही बिल अपन मारते हैं। कुछ अगर रिकॉर्ड अगर रॉन्ग है तो गवर्नमेंट का इंतजार करो, आप लोग गवर्नमेंट अगर कुछ भी रेक्टिफाई करती बोले तो उसका इंतजार करो, आके अब उसके ऊपर फोन करके टॉर्चर कर रहे लोगों को, बिला बनो बिला बनो बिला बनो बोल के। अब आप लोग एक बार बिल दे दिया है, जो रीडिंग है वही देते ना रीडिंग साहब, रीडिंग रीडिंग से फिर चार महीने के रीडिंग में बोलो चार महीने क्या, दो महीने नहीं है अप्रैल में आशिफ भाई आशिफ भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक मैडम जी, बैठो बोले मैडम जी तुम्हारा एग्जिट करने का फायदा होगा जो बोले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक, यही गो बैक, इलेक्ट्रिसिटी गरीबों के साथ इंसाफ करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिल पकड़ के बैठो, आज ही घरों में से निकलो पूरे भी आज ही वहाँ क्या यह है ना, ये नेट अमाउंट बता रहे हैं 2300 फिर ये क्या है बिल जो है कक्षा बिल जून का बिल है डेढ़ महीने का कितना देना 1316 यूनिट देना कब तक का ही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक, गरीबों के साथ इंसाफ करना होगा, गरीबों के साथ इंसाफ करना होगा, गरीबों के साथ इंसाफ करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गो बैक। केसीआर लॉकडाउन में 1500 डाले, लॉकडाउन खत्म हो गया, मैंने कुछ 3000 बिल उछल कर रही, तो कहाँ से देना हम लोग ये बोलो तो ये 1500 कहीं के डाले थे केसीआर साहब, लॉकडाउन करे बोल के डाले, अच्छा किसमें अकाउंट में डाले आपके, तो आप क्या हो आप बिलों में डाले 3000 4000 तो कहाँ से बनेंगे हम लोग, जब से हमारे को बिल नहीं आती 200-250 बिल नहीं आती हमारे को जी, 3000 कहाँ से देंगे आप ये बोलो, 7500 3 महीने नहीं आए तो हम क्या करेंगे फिर, हाँ आप 3 महीने नहीं आए के पुनक्वा बोले साहब आप नहीं आप पुनक्वा भी कौन बोले बोलो, आप आना था हर महीना आके जो है ना बिल वसूल करना था, आप एकदम यूनिट चढ़ा के जो है ना आप परेशान कर रहे, अब 6000 7000 कहाँ चला के मन, पहले तो एक तो कारोबार नहीं है, परेशान है, हाल है, खाने की परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, कहाँ से लाके बोलो आप लोग, कहाँ से लाके बोलो, सीएम झूठा पीएम झूठा, सीएम झूठा पीएम झूठा, सीएम झूठा पीएम झूठा, सीएम झूठा पीएम झूठा, पीएम भी खा जा रहे हैं, सीएम भी खा जा रहे हैं, पब्लिक खाती गिर जा रही, कब्रस्तान को चला रही पब्लिक, जाना बोल के देख रहे हैं पब्लिक, जाना कर रही पर हम कर रही कर रही नहीं, खाला क्या बोलो जी बोलो, सीएम डन डन, 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 केसीआर 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 केसीआर।
गरीब बनता ही है, कितना भी कोशिश कर लो बनने वाला नहीं है गरीब। कहाँ से बनेगा, कहाँ से खाने को खाना नहीं है तो दिल कहाँ से बनेगा। 50 रुपए, 100 रुपए। आज अंबरपेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग आए बिल वसूल करने के लिए। हमको गवर्नमेंट की तरफ से तयाफुन मिला था कि गवर्नमेंट बिलों को आवाम तक गलत पहुंचाई, तो लिहाजा उसको रेक्टिफाई करके सही बिल आवाम की तरह आवाम तक पहुंचाएंगे। बल्कि हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट बोली, तो लिहाजा तेलंगाना की आवाम ये भरोसे पे थी कि तेलंगाना गवर्नमेंट इंसाफ करेंगे। तो लिहाजा मैं सीएम केसीआर साहब को पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दिन हम देखे पुरानी बिल और आज की बिल सेम, उसको अटैचमेंट करके आज सेम वही हरकत करें हमारे साथ। जिस फर्स्ट जब लॉकडाउन के टाइम पे जो मिला दिए थे, तो इसी टाइम पे भी वही मिला दिया हमको, सेम यूनिट मार के दिए। तो लिहाजा तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरीके से आवाम के साथ नाइंसाफी कर रही, हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि आप देखिए हॉस्पिटल हों दो, हॉस्पिटलों में गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब हॉस्पिटल वाले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले खून चूस के ये आलम कर दिए कि इंसान के जिस्म में खून नहीं रहा। लिहाजा अब इस लॉकडाउन की तरह से ये आलम है घरों का कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गरीब आदमी खाना नहीं खिला सक रहा। अगर एक टाइम का अगर उसको खाना खिला रहा तो एक टाइम के वादे है उसके, क्योंकि कमाई का जरिया नहीं है। तो देखो अब हर चीज़ पे, छोटे छोटे चीज़ों पे तेलंगाना में हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। चाय का मामला ले लो, होटल के अंदर चाय भी अगर पिए तो 10 रुपये की चाहिए, 15 रुपये में मिल रही। डब्बों पे पान खाने वालों को देखिए 5-5 रुपये, 4-4 रुपये बढ़ा दिए। तो ऐसा कौन सा भूकंप आ गया। तो सीएम केसीआर साहब जिस तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं, महंगाई को जो देख के भी अनदेखा बना कर रहे हैं, लिहाजा तेलंगाना की आवाम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सीएम साहब जब तक आप अगर बिलों पे अगर रेक्टिफाई नहीं करके अगर तेलंगाना के गरीब आवाम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, बराबर हम ना ये चीज को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये हमारा जो एहतजाज है, हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर पे बराबर एई ऑफिस एडी ऑफिस पे भूख हड़ताल बैठेंगे। बल्कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से डिमांड है। सीएम